अफगानिस्तान के काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों का विरोध किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हुई और नारेबाजी करती हुई नजर आई। दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं से मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। बड़ी खबर, जहाँ पर लगातार तालिबानी अपना कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं, और ऐसे में उन महिलाओं ने अब तालिबान का विरोध करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों का विरोध किया और सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह जो वहां पर महिलाएं हैं, अफगानी महिलाएं, वो अपने हक के लिए अब लड़ाई लड़ रही हैं। तालिबान के विरोध में वो सड़कों पर उतर आई हैं और जमकर प्रदर्शन में जुट गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह वहां पर भीड़ लगी हुई है तमाम जो महिलाएं हैं उनकी, और प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल भी हुई, नारेबाजी भी करती हुई दिखाई दी। और दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं के साथ मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं काबुल से। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों के खिलाफ अब जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नारे लगाए गए तालिबान के खिलाफ, लेकिन इसी दौरान हक्कानी नेटवर्क के कुछ लोगों ने इन महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके साथ उनको मारपीट की गई और इस दौरान कई महिलाएं, ऐसी भी खबर है कि घायल भी हो गई हैं। यानी कि अब तालिबान के खिलाफ, तालिबान की नीतियों के खिलाफ, तालिबान की दहशत के खिलाफ अब वहां के जो लोग हैं वो जमकर आवाज उठा रहे हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं। और महिलाओं की भीड़ आप देखिए, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं तालिबान के खिलाफ और तालिबान की जो क्रूर नीतियां हैं उनके खिलाफ। ये भी बता दें कि सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से, और ISI प्रमुख पाकिस्तान के जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में। और उस बीच ये भी तस्वीर है, देखिए किस तरह से लगातार महिलाएं विरोध कर रही हैं अब तालिबान की जो नीतियां हैं उनका। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है? देखिए मैं चंदन हूँ इस तरफ और आपको मेरी आवाज आ रही है? और क्या जी चंदन, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से तालिबान ने सरकार बनाने का फैसला किया था जो कि नहीं हो पाया, कल भी कई महिलाओं ने काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन किया था और आज फिर ये लोग प्रदर्शन कर रही थी, अपने अधिकारों की मांग कर रही थी। और साफ तौर पर सारी महिलाओं का कहना था कि अफगानिस्तान की नई सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी हो, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं उन लोगों ने महिलाओं के साथ आकर के मारपीट की। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई, और जिस तरह से वीडियो में भी देख रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल किया गया, उन्हें हटाने के अधिकार की मांग के लिए जो महिलाएं आई थी उनके साथ मारपीट करके डराने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर जाहिर है कि तालिबान नहीं चाहता कि किसी तरह की डेमोक्रेटिक राइट महिलाओं को मिले, किसी तरह से उनके अधिकार मिले। उनका दावा एक तरफ है कि महिलाओं को काम करने देंगे, लेकिन जो कुछ काबुल की सड़कों पर हो रहा है, महिलाओं को जिस तरह से लहूलुहान करके पीटा जा रहा है, तो ये साफ दिखाता है कि तालिबान कहीं नहीं चाहता है कि जिस तरह की सरकार उसने पहले चलाई है उससे कहीं अलग, उससे कहीं अलहदा सरकार इस बार चले। इस बार भी तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में वही कुछ हो सकता है जो पहले हमने देखा है। बिल्कुल चंदन, और लगातार तालिबान की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि सरकार में अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उस दौरान हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि 20 साल पहले वाला ही ये तालिबान है और इसका शिकार अब एक बार फिर से महिलाएं ही होंगी। चंदन बिल्कुल, देखिए कल भी इसी तरह की हरकत हुई थी, महिलाओं के साथ इसी तरह से मारपीट की थी, और आज फिर हमने देखा है जो साफ बताता है कि भले तालिबान कुछ कहें कि वो महिलाओं को अधिकार देंगे, सरकार में जगह देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि महिला अधिकार के लिए जो महिलाएं सड़क पर उतरी काबुल में उनके साथ मारपीट की गई है और आतंकी संगठनों के लोगों को सरकार में, शासन में, व्यवस्था में जगह देने की कोशिश चल रही है तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान के रास्ते कई आतंकी जो पुराने चेहरे हैं वो अफगानिस्तान में एंटर कर चुके हैं, वो काबुल में आ चुके हैं और वो खाका तैयार कर रहे हैं कि आगे की व्यवस्था कैसी होगी, अफगानिस्तान की वहां का शासन कैसा होगा। जाहिर तौर पर इसमें महिलाओं को हक और हुकूक नहीं मिलने वाले हैं, जिसका विरोध महिलाएं कर रही हैं। काबुल की आम आवाम समझ रही है अफगानिस्तान में जो सरकार बनने जा रही है वो पाकिस्तान परस्त सरकार होगी, पाकिस्तान के इशारे पर नाचेगी, और उसे आम जो लोग हैं वो इस नई सरकार को एक विदेशी सरकार के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए आम आवाम जो है भले डरी सहमी है, लेकिन कुछ एक संगठन, कुछ एक महिलाएं बार बार बाहर निकलकर विरोध भी कर रही हैं कि
ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि विदेश के हाथों की कठपुतली हो। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और इन महिलाओं की भी दाद देनी पड़ेगी, किस तरह से हिम्मत जुटाए वो तालिबान के विरोध, तालिबान की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। इस बीच पंजशीर में जारी